कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करने में लक्ष्य देश और समाज हित के लिए करें, बोले आशीष कुमार। मुजफ्फरपुर बिहार से नसीम रब्बानी के साथ आदिल शाहपुरी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिला के रामबाग स्थित डायट रामबाग शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र मुजफ्फरपुर में चेहरा कला प्रखंड के कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षाओं ने FLN प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा अंतिम दिन प्रातःकाल योग पीटी करने के बाद सूत्रों से बात करते हुए योगा ट्रेनर श्री शुक्ल ने कहा कि योग करने से मनुष्य हंसता खिलता शरीर रहता है। चलिएगा चैनल पर सर जरा सा सब लोग ने एक मिनट के रुक जाएंगे सब लोग कोई कहीं नहीं जाएंगे सब इस अहाते में आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है सर मेरी जरूरत नहीं है एक मिनट सर संजीव सर को दीजिए तो माइक एक मिनट रख दीजिएगा बैठ ले लेते हैं
नहीं मैं सर से पूछ लेंगे, थोड़ा सा कल का ध्यान रखिए, 5 फीट की दूरी। सर आज लास्ट क्लास है तो हम लोग आपके तरफ से धन्यवाद तो दे रहे हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, लेकिन आखिरी शब्द में आप हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो हमारे जीवन काल में अच्छा रहे? बस और हंसाओ और फंसो। ये योग और प्राणायाम जिंदगी की जरूरत है, अगर इसको आप जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो कभी भी नहीं तो आपका अपना नुकसान होगा ना आप किसी और का नुकसान कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है, इसको अपने जीवन में आप अप्लाई करें। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग तो प्रशिक्षु है, शिष्य के तरह है। देखिए मेरा ये है कि देश के निर्माण के लिए मैं जब भी कोशिश करता हूँ देश के निर्माण के लिए, तो जब भी आप कुछ भी सिखाएं तो आप देश को हित में रखते हुए उसे सिखाएं, चाहे जिस तरह भी, चाहे जिस तरह आपको गुण देना है वो देश के लिए। परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम आशीष कुमार, डाइट रामबाग विख्यात। थैंक यू। कैसा रहा ये ट्रेनिंग? बहुत अच्छा रहा ये ट्रेनिंग, बहुत कुछ सीखा। कैसा महसूस? ट्रेनिंग चला यहाँ सारे लोगों से बहुत सारी चीज के, तो क्या कैसा महसूस कर रहे हैं, इसका क्या इम्प्लीमेंट चल करके करेंगे, कितना परसेंट? अच्छा महसूस हो रहा है, 6 दिन में यहाँ की फैकल्टी से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो अपने स्कूल जाके मैं अपने बच्चों में ये चीज उतारने की पूरी। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पूजा वर्मा है। बहुत ही अच्छा था, बहुत एनर्जेटिक फील होता है सुबह सुबह, उसके बाद बहुत सारे फैकल्टी और हमारे साथ के ट्रेनरों से बहुत कुछ सीखने को। परिचय।